जीवन में गोल्स यानी लक्ष्यों का होना आवश्यक है। ये हमारे जीवन में मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं। लेकिन लक्ष्य कैसे तय करें? मोदी जी कहते हैं कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में तो हो लेकिन पकड़ में ना हो। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। गोल सेटिंग के लिए मोदी जी सीधा सीधा एक मंत्र बताते हैं, किसी लक्ष्य से चूक जाना क्षमा योग्य है, लेकिन नीचा लक्ष्य रखना माफी के लायक नहीं है। आइए सुनते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा हाथ ऊपर करना। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करें। जो ये मानते हैं कि लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा कितने लोग हैं? दो तीन लोग ही हैं। जो मानते हैं लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, कितने हैं? तो डेमोक्रेटिक वे में तो तय हो गया। हम लोग गुजरात में बचपन से कहावत सुनते हैं, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। यानी अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यानी लगता है भाई, मान लीजिए मुझे यहां छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन एक फुट अगर जंप लगा लूं तो मैं पकड़ सकता हूं, मतलब मेरी पहुंच में है, मेरी पकड़ में नहीं है। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य होगा, जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य का की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। और इसलिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम कुछ ना करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करते रहे। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो, तो मैंने देखा तो वो कहते थे सीए कर रहा हूं। तो मैं हैरान था, इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो पता चला कि वो, ये मैं कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीए कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बातें करते देखे ना, मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं, ये जवाब बड़ा भारी रहता है। अब 22 साल की उम्र हो गई है, रिश्ते भी आते हैं, तो माँ बाप क्या जवाब दें? तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है। अब ये लक्ष्य नहीं है जी, ये तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आप को सुरक्षित करने की। एक लक्ष्य पकड़ में आते ही नए लक्ष्य की प्रेरणा खुद ब खुद मिल जाती है, और ईमानदारी तो पहली शर्त है। अब लक्ष्य कैसे हो, इस दुविधा को भी मोदी जी आगे दूर कर देते हैं। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, किसी के संदर्भ में नहीं, अपने माँ बाप के सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर के संदर्भ सपनों के संदर्भ में नहीं, आपके प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले क्या हुआ उसका, उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूं। तो तय करो, यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य
साफ होने चाहिए। अपने सामर्थ्य का एहसास होते हुए लक्ष्य भी मन में साफ होने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लक्ष्य आपको अपने सपनों की ओर जरूर ले जाएंगे। और एक बात, बड़े लक्ष्यों को तय करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना जरूरी है, और इन गोल्स के बीच निश्चित तौर पर एक तालमेल होना चाहिए, आपस में भी और आपके जीवन से भी। लक्ष्य दो प्रकार के भी होते हैं, एक अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोटे छोटे। आपने देखा होगा कोई जो बड़ी पहाड़ी चढ़ता है तो पहले छोटी छोटी पहाड़ियों को लक्ष्य बना करके चढ़ते चढ़ते उसको सिद्ध करके फिर अगली चोटी पे जाता है। हमने भी कोशिश यही करनी चाहिए, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि हम लक्ष्य के साथ जीवन को चला सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमने एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए अंदर कि मैंने तय किया था कहाँ कमी रही, मेरी मेहनत में कमी रही, मेरे प्लानिंग में कमी रही। इन छोटे छोटे लक्ष्य का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, आप उसको आसानी से करेक्ट करते जाएंगे, पार करते जाएंगे। तो लक्ष्य सिर्फ होना इनफ नहीं है, लक्ष्य पाने के रास्ते में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आप कितनी एनर्जी कितनी लगाते हैं, किस काम के लिए कितना समय लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस पर अगर आप जागृत हैं, मुझे विश्वास है कि कोई लक्ष्य बेकार नहीं जाता है, वो लक्ष्य आपको भी सामर्थ्यवान बनाता है। बिल्कुल सीधा सा फंडा है, छोटे छोटे लक्ष्यों का वेरिफिकेशन करते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य तक जाने में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। मोदी जी के बताए इन अमेजिंग मंत्रास को फॉलो करें, फिर देखिए कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को सामर्थ्य के साथ पूरा कर सकते हैं।